बैल की अम्मा अंदर जाकर सोती क्यों नहीं? साले मुझे चुड़ैल बोल रहे हो। कुछ नहीं, आप लगे रहो क्या दिया? मैंने कहा ना मुझे देखने दो। क्या लिया? तुम ठीक हो ना? यहाँ एक और मास्टर है। दोबारा यहां नहीं आएंगे है ना? अब गए काम से, गाड़ी साफ करो, निकलो यहां। बॉस क्या हुआ? चुप कर साले, दिख नहीं रहा क्या? हम मीटिंग में बिजी हैं, बहुत सारे काम करने हैं। निकल जा अभी के अभी यहां से, चला जा यहां से। जूते मारने का दिल करता है। आइए जी।
अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, पर दिल को तसल्ली है कि तुम जैसे असली मास्टर को देखकर अब मैं चैन से मर सकता हूँ। ऐसा मत कहो डोनट, हम आम इंसान हैं जो शांति से जीने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुशकिस्मत है कि हम ऐसे हैं। प्लीज हमें मास्टर मत कहो। मगर तुम दोनों इतना अच्छा लड़ सकते हो, अगर तुम पहले हमारी मदद करते तो इन्हें अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। डोनट ठीक कहता है, हर चीज की वजह होती है। बरसों पहले हमने अपने इकलौते लड़के को एक ऐसी लड़ाई में खो दिया था। बदला सिर्फ बर्बादी लाता है, तुम ये क्यों नहीं समझते? तो फिर तुम एक काम करो, तुम मुझे कुंफू का मास्टर बना दो, फिर मैं उन लोगों से बदला लूंगा इन दोनों की मौत का। कुंफू मास्टर बनना आसान नहीं है, इसमें बहुत वक्त लगता है। तुम में अगर पैदाइशी हुनर ना हो तो मास्टर नहीं बन सकते। ऐसा इंसान लाखों में एक होता है। देखा तुमने, मैं हूं ना ब्रूस ली का बाप। नहीं, ब्रूस ली महान था। सुनो सब लोग, हमने कसम खाई थी जिंदगी में कभी नहीं लड़ेंगे, पर आज हमने वो कसम तोड़ दी। सही किया या गलत वो मैं नहीं जानता। अपनी सुरक्षा के लिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। सुनो, जिसके पास ताकत होती है जिम्मेदारी भी वही उठाता है, तुम्हें भी उठानी होगी। डोनट, तुम बुरी तरह जख्मी हो, शांति से लेटे रहो। मुझे जवाब दो, क्या तुम जिम्मेदारी? शांत हो जाओ, अभी बात मत करो डोनट। क्या देख रहा है बे? चश्मिश कहीं गए? क्यों, क्या खराबी है मेरे इस चश्मे में? हाँ, लगता है तुम्हें चश्मा पहनने वाले पसंद नहीं। ठीक है, खासकर उनसे जिनकी आंखें चश्मे से बाहर निकल रही हो सांप की तरह। चुप कुत्ते, मेरे बाप का क्या जाता है? मुझे पसंद है, मेरी बीवी को पसंद, मेरी बाजू वाली को पसंद, मेरा बच्चा भी चश्मा पहन के ही पैदा होगा। मदद करना। मदद करने आया? ये ले, मदद मैं करता हूँ तुम्हारी। अपने बाप को ले आना, उसे भी सांप दिखा दूंगा। अरे जाना, चश्मे के तेरा थोपड़ा भी तोड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। तू तो जानता है ना मैं इसका थोपड़ा तोड़ सकता हूँ, तो बोलता क्यों नहीं? अरे बोल ना, अरे बोल। तेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? हाँ, क्या हुआ था तुझे जब मैं तुझसे मदद मांग रहा था? वो भौंक रहा था, निमिया रहा था, इसीलिए तो हम लोग मार खाते हैं सबसे। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता तुझे? हमने चोरी नहीं की, खून नहीं किया, डाका नहीं डाला, अभी तक किसी का रेप तक नहीं किया है, तो इज्जत क्या खाक मिलने वाली है हम दोनों को? पता मुझे, बस अपना मोटा सा पेट लेकर घूमता रहता है। चल मेरे साथ। चल बोल, पैसा किधर है? पता मुझे पैसा किधर है? कूड़ना बंद कर, बता मुझे। मैं खून पहले करता हूं, बात बाद में। बोल पैसा कहां है? बोल। देखो पैसे यहां पर है।
मेरे पीछे क्यों आ रहा है? चल तू भाग जा यहाँ से। ये ले कुछ पैसे रख ले और घर जाके खेती बाड़ी कर। चल जा यहाँ से वरना मैं तुझे मार दूंगा तुझे। ये ले पैसे, तू अपने लिए कपड़े खरीद ले, आज से तू भाई के गैंग में। माँ कसम। हाँ आ मेरे साथ, देख कौन तेरा इंतजार कर रहा है। क्या हो भाई? तुम्हें तो देखते ही समझ गया था कि अपने आप को साबित करने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। हाँ सही है, इंतजार था तो बस मौके का। हाँ हाँ तो लो ये रहा तुम्हारा मौका। भाई जो बोलोगे वो मैं करूंगा। लेकर आया हूं मुझे ये कौन सी जगह है? यही वो पागल खाना है। रिपोर्टिंग सर। कुछ है? पागल खाने में मिलिट्री नहीं, बिल्डिंग के वॉचमैन है। और टैंक? चिंता क्यों करता है? अब सुन, जब ये लोग अपनी ड्यूटी बदलेंगे तब तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त होगा। तू अंदर घुस जाना और इस नक्शे की मदद से अंदर की आखिरी कोठरी में पहुंचकर वहां बंद आदमी को उठाकर अपने साथ ले आना, समझ गया? ये ले औजार, ले चल। क्या आप लोग नहीं आएंगे? हम लोग तुम पर नजर रखेंगे ना। टाइम हो गया, जा जल्दी जा।
दुनिया का कातिल नंबर वन, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है ठीक है, एक मियां बीवी को टपकाना है, क्या कीमत लोगे हैं? मैं क्या कीमत लूंगा? मैंने सैकड़ों कत्ल कर डाले एक ऐसे दुश्मन की तलाश में जो मेरे सामने खड़ा होने की ताकत रखता हो, मगर मुझे एक भी नहीं मिला। मिल जाता तो मैं कब का पागल खाने से बाहर निकल आता। अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई है जो मेरा मुकाबला कर सके तो मैं तुम्हारे लिए मुफ्त में कत्ल कर दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा। है कोई तुम्हारे पास? बाबा क्या किस्मत है तुम्हारी, हमारे पास ऐसे कई माहिर हैं जो तुमसे लड़ सकते हैं, पर पहले हम तुम्हारे कमाल देखना चाहते हैं, और हम ये भी देखना चाहते हैं कि तुम में दम कितना है। हैं, इन बंदरों के आगे मैं अपनी कला दिखाऊं? पर ये इस लायक नहीं है, नालायक है। जी भाई, क्या ये तुम्हें कातिल लगता? जी चप्पल जरूर रबर की है, लेकिन कत्ल से पहले अपने आप को ठीक ठाक कर लेगा ये मुझे लगता है। तुम्हें यकीन है ये वही कातिल नंबर वन है? नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं वही आदमी उठाकर लाया हूँ जिसे आपने कहा था। चलो ना चश्मे चाचा, जरा अपना कमाल दिखा दो ना, क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रहे हो? तुम सिर्फ बंदर नहीं गधे भी हो। जानते हो ये क्या है? कभी इतना बड़ा मुक्का देखा है, मुझे मजबूर मत करो। एक रख के दूंगा ना तो बतीसी गुल हो जाएगी तुम्हारी। अच्छा दिखाओ तो जरा। भाई लोग, चाचा बेहोश हो गए क्या? चुप है फिल्मी साले, विलन की तरह हंसता और दांत नहीं घसता। हाँ और मार, और मार, और मार। हाथ में बिल्कुल दम नहीं है तेरे, और खुद को भाई बोलता है। क्या दुबई से ट्रेनिंग लेके आ? विदेशी घोड़ा। कुंग फू की दुनिया में जो रफ्तार को जीत पाता है वही विजेता बन पाता है। कातिल नंबर वन सबसे महान है, एक्स गैंग इनके सामने अपना सर झुका दे। असली कुंग फू मास्टर तो यहाँ मौजूद है। हाँ, दुनिया के कातिल नंबर वन में ही सिर्फ ऐसी स्फूर्ति और तेज हो सकता है। आप भी कम नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही वो मशहूर प्रेमी है ना? मैं हूँ मजनू। और मैं हूँ लैला। खुशी हुई मिलकर। एक बात कहूँ, हम यहाँ एक्स गैंग से निपटने आए हैं, सिर्फ एक्स गैंग से। एक्स गैंग से निपटने का एक ही मौका था, तुम्हें तो मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। अब तुम दोनों को यहीं दफनाया जाएगा। उधार की जिंदगी जीते हो और ऐसी बातें, ये रहा तुम्हारा तोहफा, जानते हो ये क्या है? अरे ये क्या, मौत का घंटा? कातिल नंबर वन के यहाँ होते देखते किसका घंटा बचता। ओह तो तुम इसके साथ हो। मुझे गलत मत समझना, मैं तो सिर्फ अपने हाथों से मारना चाहता हूँ तुम्हें, या तो फिर मरना चाहता हूँ तुम्हारे हाथों। जाने मन तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छाई बुराई एक साथ नहीं रहती, और हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। सही कहा है ना? बिल्कुल तैयार जाए। और
थोड़ी और कोशिश करो बच्चों, मजा नहीं आया। ओ ये अच्छी कोशिश थी पर निशाने से चूक गए। नहीं जानता था कि शेरनी की दहाड़ घंटे के साथ भी हो सकती है। मैं हार गया। लगता है ये तीनों फंस गए। इन दोनों को यहीं नीचे ढेर कर देते हैं। तुम करो। मेरा तो पांव भारी हो गया है। डॉक्टर को बुलाओ। होय, इधर आओ। मारो इसे। हाँ।
सर पर मार दे। हाँ सर पर। कहने उसकी टांग तोड़ दे। ठीक है, यही मौका है। समझ गया। मार दे, मार दे। सर पर मार दे। समझ गया। मार दे, मार दे, मार दे। पागल हो गया? कभी कहते हो सर फोड़ू और कभी कहते हो टांग तोड़ू, कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं मुझे? वाह, अब इसे कहते हैं मुक्का, सबसे बड़ा मुक्का। गए कहां? तुमने उन्हें जाने कैसे दिया साले डेढ़ फुट टकले? मुझसे बच के कहां तक जाएंगे? ढूंढ निकालूंगा। समझ में नहीं आया हमें क्यों बचाया। जवान बच्चे जब समझदार हो जाते हैं तो खुद अच्छाई का रास्ता अपना लेते हैं। देखो कैसा अधमरा कर दिया उस शैतान ने। कोई आखिरी ख्वाहिश है तेरी? ये क्या है? ये क्या लिखा है तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या है? बताओ बताओ ये क्या लिखा है तुमने? हैं? वहां भी नहीं है। कुदरत का करिश्मा है जो ये अब तक जिंदा है। अब देखते हैं जड़ी बूटियों का असर। इनका असर उतना नहीं होगा। इसके ठीक होने का राज इसके अपने शरीर में है। इसकी हड्डियां टूट गई हैं और मांसपेशियां फट गई हैं, मगर ये फिर भी कितनी तेजी से ठीक हो रहा है मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं है वो तो नहीं?
धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मुझे निपटने दीजिए इनसे। पता नहीं कहां गायब। सोचा भी ना था कि 20 की मार से लड़के का अंदर का ताकत जाग जाएगा और वो कुंगफू मास्टर बन जाएगा। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये आम लड़का नहीं, वही लाखों में से एक कुंगफू मास्टर है जिसकी हम बात करते थे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? ओए दलबद्दू, तू अभी भी जिंदा है? भाई लोग खत्म कर दो। पैरों पर हमला, ये लड़ने का नया तरीका तो बचकाना है। अगर हमारा बेटा जिंदा होता तो आज वो इसकी उम्र का होता। अगर वो पढ़ाई में मन लगाता तो जरूर वकील या डॉक्टर बन गया होता। मुझे तो लगता वो जरूर स्टंटमैन बनता। अब मुझसे लड़ेगा। Thank you.
स्कूल का मेंढक वाला कुंग फू काफी खतरनाक है। याद है वो बुद्धा हस्त जो सीधा आसमान से धरती पर गिरता है? हाँ, वही सदियों पुराना बुद्धा हस्त कुंग फू है। ये कौन सी कला है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मास्टर, ha ha ha!
रोको ना अपने बच्चे को, देखो ग्लास में पूरा फूंक लगा रहा है। चलो तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुंह लगाओगे तो खरीदना भी पड़ेगा। तुम्हारी हड्डियों की बनावट एक कुंफू मास्टर जैसी है। मैं साफ देख सकता हूँ कि आने वाले कल में तुम्हें ये किताब जिसमें बुद्धस कुंफू की जानकारी है उसकी जरूरत पड़ेगी। रुको बेटा, अगर ये नहीं पसंद तो और है।